तो आप तो ये अक्सर सुनती होंगी कि आपके अपने ही वक्स कहते हैं बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप नहीं समझती कि ये एक फेलियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कि जब वो उन्होंने हुकूमत संभाली बीबी की शहादत के बाद कि वो उन मुलजमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा सके। अदम जो थी एक तरीके से यू नो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सबको रिहा किया गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुनी से डेफिनेटली आज का दिन 27 दिसंबर जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा दुख का लम्हा है, और ये जब भी बीबी की शहादत के बाद ये दिन आता है तो मेरे ख्याल है हर पाकिस्तानी उसी तकलीफ को महसूस करता है। और बीबी शहीद की जो कमी है वो तो वो वैक्यूम है है कि वो पूरा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि शी वाज एन इंस्टीट्यूशन विद इन हर सेल्फ, और एक ऐसी लीडर के जिनको दुनिया में बेशुमार ख्वातीन बिलखुसूस जो एम्पावर्ड वुमेन है वो आइडियाज करती हैं। बीबी के साथ जो जो मैं समझती हूँ जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जैसे पीपल्स पार्टी का नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान है बीबी शहीद जो 27 दिसंबर को। मगर तो हुआ। लोग आपसे पूछते हैं कि जी क्या अदम अदम दस्तयाबी नहीं थी सबूतों की, लैक ऑफ एविडेंस, उसकी वजह से रिहा किया गया। उसके ना दो पुलिस अहलकार भी थे, सीनियर पुलिस अहलकार थे, और उनके पर यह इल्ज़ाम भी लगा था कि जो वहाँ पे एविडेंस है उसको धो दिया गया था, कैमरों के सामने धो दिया गया था। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा सकी? मुनीर जी, पहली बात तो ये है बिल्कुल फौरी तौर पे जो वाकये की जगह है लियाकत बाहर उसको फौरी तौर पे धो लिया गया, और कोई एम्बुलेंस का सिस्टम वहां पे मौजूद नहीं था, और बीबी की सिक्योरिटी जिस हवाले से होनी चाहिए थी 18 अक्टूबर के बाद ये जानते हुए कि उनको खतरात हैं उसके बावजूद जो है उनको वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, तो ये तमाम तर जिम्मेदारी डेफिनेटली उस वक्त की हुकूमत के ऊपर आई थी कि जिनको सिक्योरिटी देनी थी। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी जो है वो तो खुद विक्टिम है इस चीज की। हम तो खुद अपनी प्ली लेकर अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए आज तक इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ मिलेगा, और शहीद बीबी का भी जो मामला है उस केस में भी उनकी फैमिली और पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आज भी इस इंसाफ के तलाश में जस्तजू कर रही है। तो इंसाफ तो हमें अदालतों ने देना है, इंसाफ तो हमें यहाँ के निजाम सिस्टम ने देना है। ये लम्हा फिक्रिया कि 16 साल प्लीज ना साहबा, जस्ट वन सेकेंड, इसके अंदर जो आपका अदालतें तो उसी के ऊपर अपनी रूलिंग करती है ना जब वो एविडेंस कलेक्ट कर लेती है। खुर्रम दस्तगीर साहब की मैं जानिब जाना चाहती हूँ।